हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विक्रम जारवाल, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो टोक्यो ओलंपिक 2021 के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नीरज चोपड़ा कौन? नीरज चोपड़ा जिसने कौन सा पदक जीता है, इसने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। किस क्षेत्र में जीता है? जुएलिन थ्री में। कौन सा? जुएलिन थ्री में जीता है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई चानू, मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है, इसने कौन सा पदक जीता है? इसने जीता है रजत पदक। और किस क्षेत्र में खेल बार्थलोरन महिला 49 किलोग्राम वर्ग में जीता है। अगला क्वेश्चन, रवि कुमार दहिया कौन? रवि कुमार दहिया, रवि कुमार दहिया ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किस क्षेत्र में? कुश्ती के क्षेत्र में। कितना पुरुष वर्ग में जीता है, कितने? 57 किलोग्राम वर्ग में जीता है। चौथा क्वेश्चन, बजरंग पूनिया इसने कौन सा पदक जीता है, इसने जीता है दोस्तों कांस्य पदक जीता है। और किस क्षेत्र में जीता है? कुश्ती के क्षेत्र में जीता है। कौन से? कुश्ती के क्षेत्र में, 65 किलोग्राम वर्ग में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है, इसने कौन जीता है? कांस्य पदक। इसने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। बैडमिंटन महिला है एकल वर्ग से। और छठा क्वेश्चन है, भारत इसने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। कौन सा है? कांस्य पदक जीता है। और किस क्षेत्र में? पुरुष हॉकी वर्ग में जीता है। सातवां क्वेश्चन है, लवलीना बोर होगेन इसने कौन सा पदक जीता है, इसने भी कांस्य पदक जीता है। किस क्षेत्र में? मुक्केबाजी में महिला वेलेंटियर वेट वर्ग में 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में। कौन से? 64 से 69 किलोग्राम वर्ग में जीता है। दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसको लाइक एंड शेयर, इसमें सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।